जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में ट्रेडमिन के लिए हिंदी का पांचवा सेट करने वाले हैं। इससे पहले आपको चार सेट दिए गए हैं, यदि आप इच्छुक हैं तो उन सभी सेट को देख लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वह 2023 तक के पूछे गए प्रश्नों में से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। क्या दिया गया है वाक्य? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना, इसमें आपका प्रदर्शनी गलत लिखा गया है। कैसे होगा प्रदर्शनी? पौरव संयुग द ताल विश्व वरेव नौदृघी का, ठीक है, ये होता है प्रदर्शनी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अशुद्ध है इसलिए इसमें त्रुटि है, तो त्रुटिपूर्ण वाला आपका हिस्सा डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट का उत्तर डी हो गया। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहले हमें एक मुहावरा दिया गया होता था, अब यहाँ पर मुहावरों का युग्म है और इसमें से जो सही आपको लगता है वो आपको बतलाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है दिन का फेर होना, जिसका मतलब होता है बुरे दिन आना। क्या? बुरे दिन आना। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड आपका दिया गया है दाल न गलना, इसका मतलब होता है सफल ना होना। ठीक है, सफल न होना, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा आपको दिया गया है त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मतलब हो जाता है बीच में रह जाना या फिर अधर में लटकते रहना। ठीक है, ये होता है बीच में रह जाना, बीच में रहना या फिर अधर में लटकते रहना या फिर ना इधर का ना उधर का, ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो सी वाला उत्तर सही होगा। बाकी डी दिया गया है दो दिन का मेहमान, इसका मतलब क्या होता है? जल्द मरने वाला। ठीक है, जल्द मरने वाला, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेकेंड का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? निरक्षर साक्षर, साक्षर लेकिन यहां पर आपके ए में ही दिया गया है इसलिए थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फोर्थ आपका दिया गया है गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गंगा का पर्यायवाची क्या शब्द होगा। गंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, भागीरथी, सुसरिता। ठीक है, सुसरिता यहां पर दिया गया है, बिल्कुल। उसके बाद आपका देव नदी, देवपगा, देवपगा दिया गया है। उसके बाद आपका विष्णुपदी, ये भी दिया गया है। उसके बाद आपका ध्रुवनंदा, त्रिपगा, नदीश्वरी, ये सब होता है गंगा का पर्यायवाची। तो इन ऑप्शन में हंसजा दिया गया है जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है इसलिए थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनकी तैयारी आप जमकर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका पांचवा दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर आपको एक वाक्य अशुद्ध दिया गया है चार में से, तो जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। पहला दिया गया है सुमेघ आज छुट्टी पर है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है अंजना ने नई साड़ी खरीदी, यह भी ठीक है। सी दिया गया है कोयल पेड़ में बैठी है, कोयल पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो ये वाला आपका त्रुटिपूर्ण है, तो अशुद्ध मिल गया ना, उत्तर आपका सी हो जाएगा। डी वाला दिया गया है वसुंधरा बहुत शुरी लगती है, ठीक है, तो यह भी शुद्ध है, तो यहाँ पर फाइव का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, तो हड्डियों का जो ढांचा होता है वह कंकाल कहा जाता है, और कंकाल यहाँ पर सिक्स के बी में दिया गया है, तो सिक्स का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना होता है। मैं जो प्रश्न आपको करवा रहा हूँ वो सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इग्नोर करोगे तो आपका लॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर आपको दिया गया है शीला को नाटक अच्छा लगा, यह बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया गया है लड़की पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। अगला है मुझे उस पर दया आती है, यह भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है लड़के को घर जाना है, यहाँ पर को का होगा, यहाँ पर कारक चिन्ह की अशुद्धि है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सेवन का? सेवन का उत्तर डी हो जाएगा, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ एक आदेश दिया गया है, इस आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? आदेश का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, तो क्या करेगा कर्मचारी? उस आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, आदेश मतलब किसी को आज्ञा देना कि उस आज्ञा का पालन करो। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देखिए, छोटे को बहकाना, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, आज्ञा पालन के लिए कहना। तो ये बिल्कुल सही है, सी वाला उत्तर हो जाएगा, एड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। देखिए शोक का सबसे उचित क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है खेद, खुशी, कष्ट, पता। तो ये सभी तो नहीं होगा ना, ना ही खुशी होगा, ना कष्ट होगा, ना पता होगा। ठीक है, सबसे उचित जो होगा यहाँ पर वह खेद हो जाएगा। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, यहाँ पर जो है अफसोस करते हैं, तो अफसोस जताने का ये तरीका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हम खेद का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, हिंदी में यह खेद कहलाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? नाइन का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए दसवां आपको दिया गया है, जो कहा गया है, तो वैसी चीजें जो कही जाती है वह कथित कहलाती है। ठीक है, तो कथित तो देखिए आपके डी में दिया गया है, तो टेन का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए, आया ना मजा? आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया गया है। इन सभी के पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आपको पूर्ण पैकेज चाहिए, एक साथ बहुत सारे मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब, फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देखिए यहां पर तब क्या है? तब मतलब हो जाता है उस समय, उस समय, और फिर जो है वह दोबारा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है। तब का अर्थ बाद में, गलत, तब का अर्थ है उस समय, बिल्कुल सही है, फिर का अर्थ है दोबारा। ठीक है, यही प्रयोग करते हैं ना बोलचाल की भाषा में, यही प्रयोग में लाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 आपका दिया गया है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। क्या दिया गया है? जो इंद्रियों से परे हो। अब देखिए ऐसी चीज जो इंद्रियों से परे होता है, दूर होता है, उसे अतिंद्रियां कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है ना। तो 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या मुहावरा दिया गया है? टका सा जवाब देना। किसी चीज को यदि आप साफ इनकार कर देते हो ना, तो वह कहलाता है टका सा जवाब देना। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर क्या दिया गया है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। देखिए हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बड़ी 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 बाधाएं, बाधाएं हैं। ठीक है, यहां ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ये बदल दीजिए, फिर जाकर यह शुद्ध होगा। तो अशुद्धि मिल गया आपको, बड़े बड़े संकट, जो कि डी में दिया गया है। तो 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 15 दिया गया है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंह दिया गया है ना, तो सिंह का क्या हो जाएगा बताइए? सिंह का आपका होता है शेर, वनराज, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, केसरी। ठीक है, ये सब होता है ना, इसमें आपको सिंह मिल गया, वनराज मिल गया, केसरी मिल गया, लेकिन मनी होगा? नहीं होगा ना मनी। तो उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी पूर्ण कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, आपकी बातों का जवाब आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 16वां जो है गाद्यांश दिया गया है, तो सबसे पहले गाद्यांश को पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें इसे करने दीजिए तब आप जवाब दिया कीजिए, तो इस बार मैं पढ़ता हूँ, रिक्त स्थान को छोड़ता हूँ, फिर आप जवाब देंगे।
फिर मैं इसको फिल करूंगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं। तो देखिए विकल्प भी देख लेते हैं, विकल्प है स्वाभाविक उत्सुकता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक रोज मनाते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, सभी वर्ग के जो लोग हैं वह अपने अपने जन्मदिन को प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। ठीक है, तो प्रसन्नता पूर्वक देखिए यहां पर आपके सी में दिया गया है, सही हूं ना मैं, 16 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका भी यही उत्तर था, फिर आप ठीक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ डैश ही होती है, तो कुछ अधिक हो जाएगा, है ना। बच्चे बहुत ही लालायित होते हैं कि उनका जन्मदिवस मनाया जाए, बहुत ही। ठीक है, तो बहुत की जगह हम अधिक का प्रयोग करेंगे, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना यहां तक, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश करते हैं, पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, सही है ना। तो 18 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, फिर देखिए अगला क्या दिया गया है, जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। देखिए शरीक होना या फिर सम्मिलित होना, यही दो सवाल हो सकता है ना। जब भी बच्चे किसी दूसरे के जन्मदिवस को मनाने जाते हैं तो वहां से लौटते ही पूछते हैं कि मम्मी मेरा जन्मदिवस कब मनाया जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सम्मिलित, जो 19 के डी में दिया गया है, तो 19 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, अगला है आपका आखिरी, जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं, तो इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं ना, तो 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाद्यांश भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, मजा आया ना, आज तो आपने पूर्ण किया इसको, चलिए आगे बढ़े। 21 आपको दिया गया है, किसी को धोखा में डालना या धोखा देना, ये अर्थ है, ये किस मुहावरे का अर्थ है, यह है झांसा देना। झांसा देना मतलब किसी को धोखे में डालना या फिर धोखा देना, तो झांसा देना यहां पर आपके सी में दिया गया है, इसलिए 21 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 22 दिया गया है, निर्धनता का विलोम शब्द कौन सा होगा, निर्धनता गरीबी और धनाढ्यता अमीरी, तो धनाढ्यता यहां पर देखिए बी में दिया गया है। ठीक है, धनाढ्यता आपको कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से धनाढ्यता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है, एक अनार 100 बीमार, ये एक लोकोक्ति है, इसका मतलब होता है कि वस्तु कम और उसकी मांग ज्यादा, तब हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम मांग ज्यादा, उत्तर क्या हो जाएगा, 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, जी कहो जी कहलाओ, उपयुक्त लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है जी कहो जी कहलाओ, इसका मतलब होता है जब आप किसी को सम्मान देंगे तब आपको उससे सम्मान प्राप्त होगा, है ना, तो सम्मान देने पर सम्मान प्राप्त होता है, जो कि ए में दिया गया है, तो 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 25 दिया गया है, हाथी को डैश नियंत्रित करता है, तो हाथी का जो है उसका महापात्र उसको नियंत्रित करता है, या फिर महावत कहते हैं आप उसको, वही नियंत्रित करता है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए तो महापात्र आपके सी में दिया गया है या फिर महावत, ये भी शब्द होता है। ठीक है, तो 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बताए, अब बारी है आपकी, और आपको क्या बताना है, इस सवाल का जवाब क्या दिया गया है, पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, एक शब्द के लिए 4 विकल्प हैं, इस 4 में से एक सही है, जो विकल्प सही है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।